दोस्तों आज के समय में भारत के पास एक से बढ़कर एक हथियार मौजूद हैं। लेकिन अगर एक ऐसी हथियार की बात की जाए जिसमें भारत अमेरिका से भी आगे है, तो सबसे पहले भारत की मिसाइलों का नाम आगे आता है, क्योंकि भारत की मिसाइलों ने हमेशा से ही पाकिस्तान और चीन पर ना ही सिर्फ एडवांटेज दिया है, बल्कि पूरी दुनिया में एक ऐसी पोजीशन पर रखा है जिसका इस्तेमाल करके हम अमेरिका जैसे देश पर भी दबाव बना सकते हैं, क्योंकि भारत के पास बेहद ही सटीक और तेज रफ्तार वाले क्रूज मिसाइलों से लेकर विनाशकारी परमाणु मिसाइल तक मौजूद है। और भारत का मिसाइल बेड़ा इतना ज्यादा बड़ा और शक्तिशाली है कि हम किसी भी शक्तिशाली देश को कुछ ही घंटों में बर्बाद कर सकते हैं। और इसीलिए जब भी भारत अपनी मिसाइलों का परीक्षण करता है, तब पूरी दुनिया की नज़र उसमें टिकी रहती है। और अब हाल ही में भारत ने पूरी दुनिया को चेतावनी दे दी है कि हम कुछ ही दिनों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मिसाइल का परीक्षण करने जा रहे हैं, जो कि एक परमाणु मिसाइल होगा। दरअसल दोस्तों, सामने निकल कर आ रही एक रिपोर्ट की मदद से यह पता चला है कि भारत 18 मई से 19 मई के बीच में एक मिसाइल परीक्षण करने जा रहा है, जिसके लिए एरिया वार्निंग 1680 किलोमीटर इलाके के लिए जारी की गई है। बता दें कि यह मिसाइल परीक्षण भारत अपने अब्दुल कलाम आइलैंड से करने जा रहा है, जहां से भारत अपने ज्यादातर मिसाइलों का परीक्षण करता है। और जिस तरह से इस परीक्षण के लिए लंबा एरिया रिजर्व किया गया है, उससे पता चलता है कि भारत अपने अग्नि प्राइम का परीक्षण करेगा, जिसे हमने चीन और पाकिस्तान में तबाही मचाने के लिए विकसित किया है। बता दें कि इसकी मारक क्षमता 1000 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक की है, और ये मिसाइल परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है। और इस मिसाइल से हम कहीं भी पाकिस्तान में परमाणु हमला कर सकते हैं। इसके अलावा अग्नि प्राइम मिसाइल की सटीकता ही इसका सबसे बड़ा हथियार है, और इसीलिए चीन और पाकिस्तान दोनों ही हमारे इस मिसाइल से खौफ खाते हैं। इसके अलावा 15 दिसंबर 2022 को भारत ने अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया था, जिसकी रेंज करीबन 7000 से 8000 किलोमीटर थी। और भारत ये परीक्षण ऐसे समय पर कर रहा है जब SCO समिट भारत में जारी है और G20 की मीटिंग भी लगातार कंडक्ट की जा रही है। यानी कि भारत अपने परमाणु मिसाइल के परीक्षण से पूरी दुनिया को एक बहुत ही बड़ा मैसेज देना चाहता है कि आज भले ही भारत पहले किसी देश पर आक्रमण ना करता हो, लेकिन हम ऐसी क्षमता रखते हैं जिससे हम अपने दुश्मनों को विनाशकारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। वहीं दूसरी खबर निकल कर आ रही है चीन से। दरअसल आप सभी तो जानते ही हैं कि कश्मीर में G20 की मीटिंग होने जा रही है, और पाकिस्तान इस G20 का मेंबर ना होने के बावजूद भी इस मीटिंग का खुलकर विरोध कर रहा है और कह रहा है कि इस मीटिंग को कश्मीर में नहीं होना चाहिए। और अब इसका साथ देने के लिए चीन भी आगे आ चुका है। दरअसल SCO की मीटिंग के बाद चीन के विदेश मंत्री पाकिस्तान के दौरे पर चले गए हैं, जहाँ पर इन दोनों देशों ने कश्मीर का जिक्र किया और कहा कि हम दोनों देश चाहते हैं कि एशिया में शांति बने रहे। लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि अगर ये दोनों देश शांत रहे तो पूरे एशिया में वैसे भी जी पटक नहीं होने वाली। साथ ही चाइना ने ये भी कहा कि कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान में कई समय से विवाद चलता आ रहा है, और हम इसे शांति से संयुक्त राष्ट्र के कानून से इस विवाद का समाधान करना चाहते हैं। लेकिन आपको तो पता ही है कि भारत कश्मीर को लेकर संयुक्त राष्ट्र की तो क्या किसी भी देश की नहीं सुनता है। और भारत का कहना है कि कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा था, है और रहेगा। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।